जा रहे हैं दयानंद सरस्वती महाराज का गुरुकुल यानी स्कूल देखने। जिनको नहीं पता उनको बता दो कि टंकारा स्वामी दयानंद सरस्वती का बर्थ प्लेस है, जो कि आर्य समाज के संस्थापक थे। तो हम वहीं जा रहे हैं दोस्तों, आज गुरुकुल की सैर करेंगे। तो चलिए, मोरबी के राजा जो लखधीर जी महाराज थे, उसी का ये राजा वास है, उसके पीछे रानी वास था। मतलब यह दोनों हॉलीडे कैंपस, मतलब ये लोग जब भी फ्री होना है या वेकेशन या छुट्टी मनानी है तो एंजॉय के लिए यहाँ पर आते थे। सन 1959 में यह देना बैंक वाले नानजीदास कालिदास मेहता ने 1.5 लाख रुपए में खरीद कर इस ट्रस्ट को दिया, जो आज तक संभाल कर रखा हुआ है। और इसके अंदर एक अंतरराष्ट्रीय गुरुकुल चल रहा है, जो जहाँ पर आज वर्तमान में 50-51 ब्रह्मचारी पढ़ाई कर रहे हैं, जो पूरे भारत वर्ष के हैं। और उसको पढ़ाने वाले इसके यहाँ पर व्यवस्थापक जो है वो आचार्य रामदेव जी शास्त्री जी है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो पूरा परिसर, ये भी पुराना वाला है जो रानी बाग बोला जाता है, ये भी पुराने वाले मतलब ये 150-200 साल से पुराना होगा भवन। जिस जमीन पर या जिस नदी के अंदर मूलशंकर के रूप में स्वामी दयानंद जी जब छोटे थे, और शायद वो उस नदी में स्नान किया होगा, वो नदी है डेमी नदी। वो पूरे काले पत्थर की बनी हुई है। और यहाँ पर और सामने जो दिखाई दे रहा है मंदिर, जो है वो मंदिर है स्वामी दयानंद को जहाँ पर बोध हुआ था, शिवरात्रि के दिन उपवास रखा था, वो बौद्ध मंदिर है शिव शंकर का। वो शिवलिंग भी अभी भी मौजूद है जहाँ पर मूल शंकर ने बचपन में शिवलिंग की पूजा की थी, और उंदरों वाली घटना बनी। शाम का वक्त हो चला है और सुबह आप मिले थे देव भाई से, अब उनके जो बेटे हैं रितेश यहाँ पर मेरे साथ हैं, और ये हमें जानकारी देने वाले हैं कि जो चीजें रह गई थी गुरुकुल में हमने नहीं देखी थी सुबह, तो वो अब हम देखने वाले हैं। स्टेज की तरह जो बनाया गया और ये जो तस्वीरें लगी, आप इनके बारे में थोड़ा बताएंगे हमारे देखने वालों को। नमस्ते, यहाँ पर टंकारा में हर साल शिवरात्रि का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, जिसमें सिर्फ गुजरात के ही नहीं बल्कि पूरे भारत में से कई सारे ऐसे घूमने वाले भी आते हैं कि जो विदेश से भी आते हैं। क्योंकि हम लोग जो शिवरात्रि है उनको महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे उनको शिवरात्रि की रात को ही उनको ये सब पता चला था कि जो शिव है वो सिर्फ मंदिर में नहीं बैठे, वो तो अपनी सुरक्षा भी अपने तरीके से नहीं कर पा रहे थे। और ये सारा बोध होने के कारण हम लोग शिवरात्रि को बोध रात्रि भी बोलते हैं। उसी बोध को लेकर उन्होंने सच्चे शिव की खोज करने के लिए अपने टंकारा को छोड़ दिया था। जो चीज मैं समझ पाया जो बताया, देखिए उसके हिसाब से ये शिवरात्रि नहीं मनाते हैं, क्योंकि मूर्ति पूजा के तो खुद स्वामी दयानंद सरस्वती जी खिलाफ थे। उन्होंने तो कहा था कि मूर्ति पूजा एकदम व्यर्थ है, और मुझे बात इतनी अच्छी तरह से इसलिए पता है क्योंकि मेरे ताऊजी आर्य समाज ही रहे हैं। तो मैं सोच के हैरान था, मेरे दिमाग में सवाल ये आया था यार शिवरात्रि क्यों मनाई जा रही है। अब मैं समझ पा रहा हूँ कि वो शिवरात्रि नहीं है, और उस वजह से नहीं मनाई जाती जिस वजह से हम हिंदू मनाते हैं शिवरात्रि को। ये बोध रात्रि है क्योंकि यही वो रात थी जब उनको बोध हुआ था कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है। बहुत सारी तस्वीरें मैं यहाँ देख पा रहा हूँ जो लगी हुई है, कुछ को मैं जानता हूँ कुछ को नहीं जानता। एक बार रितेश भाई की हेल्प लेते हैं, शायद वो हमारी मदद कर पाए और बता सके कि ये कौन कौन है। बताएंगे कि कौन थे आर्य समाज के? बहुत बड़े विद्वान हुए थे, उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी है, और उनके साथ साथ आप लोगों ने डीएवी का नाम सुना होगा। डीएवी करके बहुत सारे कॉलेज स्कूल चल रहे हैं, तो उनके वो आचार्य भी रहे हैं। और आर्य समाज के लिए और हमारे भारत देश में हिंदुओं को कैसे बचाया जाए उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी। अच्छा अच्छा, तो महात्मा हंसराय यहाँ पे लिखा भी है, महान शिक्षणविद, डीएवी कॉलेज के प्रधानाचार्य, अमर हुतात्मा। हुतात्मा क्या होता है? जो भी महान व्यक्ति होते हैं उनको हम उपाधि देकर बुलाते हैं, तो इसमें भी हुतात्मा है, वो उसकी एक उपाधि है कि जो वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, वेदों के भी पंडित थे, तो उसलिए उनको ये हुतात्मा नाम दिया गया है। अच्छा, तो महात्मा हुतात्मा ऐसे ही पर्यायवाची। और जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं ये स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, और लिखा गया है युग परिवर्तक, क्योंकि एक नया युग की शुरुआत की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी वीरजानंद जी सरस्वती, ये इतने दुबले पतले से क्यों है, इनकी कहानी बताएंगे आप मेरे को? पहले तो ये कौन थे इसके बारे में जानते हैं जी। स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती जी हमने सुना उनके गुरु थे। स्वामी जी ने पूरा ज्ञान इन्हीं विरजानंद जी से ही प्राप्त किया है। स्वामी जी ने 3 साल तक स्वामी जी विरजानंद जी है उनके आश्रम में रहकर वेदों का व्याकरण पढ़ा था कि वेद को कैसे पढ़ा जाए और कैसे समझा जाए उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर पढ़ा था। ये जो विरजानंद जी है उसके ये प्रिय शिष्य थे। ये है महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती, कुछ बताएंगे इनके बारे में रितेश? इन्होंने भी वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए ही वो विदेश भी गए थे और काफी सारी उनकी किताबें भी है। वो बहुत सारी हमारे टंकारा के ही एक थे। उन्होंने ही एक किताब है घनघोर जंगल मा करके, वो किताब पढ़ने के बाद उन्होंने अभी पूरी तरह से गुरुकुल में जाकर हमारी वैदिक परंपरा को पढ़ने का और सीखने का निश्चय किया था। तब ऐसे कई सारे लोगों का जीवन परिवर्तन हो गया। और इनको तो आप सब पहचानते हैं, इनके तो किसी परिचय की हमें जरूरत है ना किसी और को। अमर शहीद भगत सिंह को तो सल्यूट करने का दिल करता है हमेशा। बहुत बढ़िया जानकारी दी रितेश आपने। तो अभी हम यज्ञ देखने के लिए चल रहे हैं, यज्ञशाला सुबह आपको दिखाई थी मैंने, पास में ही है, हम वहाँ जाएंगे 6:30 बजे रोज और सुबह को 7 बजे, 2 टाइम यज्ञ होता है। तो आज चल के देखते हैं कि यज्ञशाला में यज्ञ कैसे होता है आर्य समाज के पद्धति के अनुसार। अब संध्या वंदना हो रही है। तो ये था आर्य समाज में वो तरीका जिससे यहाँ पर यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ सुबह और शाम दोनों वक्त होता है, आप अगर टंकार आ रहे हैं तो इस यज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। अब हम जाने वाले हैं वो मंदिर देखने के लिए जहाँ पर बोध प्राप्त हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती को। ये जो तांबे वाला आपको दिख रहा है कोपर का, उस समय वो नहीं लगा हुआ था, सिर्फ पत्थर का था। मूल शंकर और उसके पिताजी और सारे पुजारी लोग यहाँ पर बैठ के शिवरात्रि के दिन उसका उपवास और जागरण सब कुछ यहीं पर करते थे और यही पड़थार था जहाँ पर वो सारे मूल शंकर के रूप में भी, उसके पिताजी करसन जी के रूप में भी सारे पुजारी सब यहाँ पर बैठ कर रात का शिवरात्रि का जागरण भी करते थे और पूजा पाठ भी करते थे। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह है महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज की जन्मस्थली, जो गुजरात के मोरबी जिले के टंकारा गांव के अंदर स्थित है। ये वो जगह है जहां पर स्वामी दयानंद मूल शंकर के रूप में यहां पर घूमते थे, यहां पर उसका जन्म हुआ और ये जन्मस्थली 200 साल पुरानी जन्मस्थली है। यहां पर उसकी जीवन की घटनाक्रम को देख पाएंगे। ये जो है उसकी माता, जो उसकी माँ का नाम अमृतबाई बताया जाता है, जो जिसका जन्म 12 फरवरी 1824 के दिन हुआ, जिसका नाम मूल शंकर रखा गया। उसके पिताजी शिव भक्त थे, उसको जनोई संस्कार करवाया गया, उसके पिताजी के ही द्वारा उसको अक्षर ज्ञान भी दिया गया और बाद में जो शिवरात्रि की घटना हुई, ये घटना जो घटना है वो ऋषि के जीवन के सबसे इम्पोर्टेंट जीवन की घटना थी, जिससे महर्षि के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। जो शिवरात्रि के दिन उसको जागरण करना था और उसी घटना के दिन, उसके बाद में उसकी माता, उसकी जो बहन थी, इसकी मृत्यु हो गई। इससे मूल शंकर के जीवन में बहुत सारे प्रश्न पैदा कर दिए कि मृत्यु क्या होती है। उसके बाद में उसको संसार में से धीरे धीरे वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगा और कुछ ही दिन के बाद उनके प्रिय चाचा जी की मृत्यु हो गई
और उससे बहुत बड़ा वैराग्य उसके भाव में जन्म लिया और उसने तय कर लिया कि मुझे इस घर में रहना नहीं है, मैं संसार से दूर चला जाऊंगा और सच्चे ईश्वर की खोज करनी है और मृत्यु के ऊपर विजय पाना है। तो वो घर से चुपचाप वैराग्य के कारण किसी को बताए बिना निकल पड़े। रास्ते में उसको साइला के अंदर उसको एक साधु मिले, उसके जो कीमती आभूषण घरेणा कपड़ा थे वो सब ले लिए और उसके बाद में आगे वो ब्रह्मचारियों को दीक्षा लेकर शुद्ध चैतन्य मतलब अपना नाम मूल शंकर से बदलकर शुद्ध चैतन्य नाम धारण कर लेते हैं। सच्चे ईश्वर की शोध में और मृत्यु के विजय पाने के लिए वो पूरे पूरे समय तक घूमते रहे। घूमते घूमते सिद्धपुर के मेले में वो पकड़े गए उनके पिताजी के हाथों से। वहां से भी रात को जब सो गए तो उसके बाद में मूल शंकर जी वहां से भी भाग चले और नर्मदा के तट पर पहुंच गए, जहां पर दंडी स्वामी पूर्णानंद जी मिले और उसने शुद्ध चैतन्य से महर्षि दयानंद सरस्वती नाम दिया गया, जो आज तक उसके जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और ब्रह्म मूल शंकर जी ने दयानंद बनकर चाणोद में भी अपना योगाभ्यास कार्यक्रम सीखा और आगे अनेक मंदिरों मठों में जाकर स्वामी जी ईश्वर की शोध में सच्चे ज्ञान की शोध में निकलते रहे। कई बार हिमालय की गोद के अंदर बर्फीली गंगा नदी के अंदर घूमते घूमते उसके पैर में भी बहुत बार चोट लग जाती है, खून बह जाता है और कई दिनों तक उसको भोजन भी नहीं मिलता है। और किसी शास्त्र में स्वामी जी ने पढ़ा था कि मनुष्य जीवन के अंदर चक्र होते हैं जो जिसको उजागर किया जाता है, लेकिन स्वामी जी ने वो वास्तविक देखने के लिए गंगा नदी में से एक शब निकाल कर उसके अंदर अपने हाथों से उस मनुष्य शरीर में से वो देखने का प्रयास किया, लेकिन वो झूठ पाया गया। बाद में एक बार बड़े विकराल रिच का सामना हुआ, लेकिन स्वामी जी निर्भीक होकर वो रिच को भी भगा देते हैं। और घूमते घूमते दंडी स्वामी विरजानंद जी जो मथुरा में रहते थे वो जन्मजात प्रज्ञा चक्षु थे, लेकिन व्याकरण के भास्कर समान थे स्वामी विरजानंद जी। उसके पास स्वामी जी बहुत सारा व्याकरण पढ़े और एक बार स्वामी जी ने झाड़ू लगाई और कूड़ा नहीं भरा, विरजानंद जी का पैर उसके ऊपर पड़ जाता है तो स्वामी दयानंद को वो शिक्षा देते हैं और बहुत फटकार लगाते हैं, लेकिन महामना महर्षि दयानंद जी ने अपने पिताजी गुरु जी की हाथ और पैर दबाते हैं, कहते कि मेरा शरीर तो वज्र से बना है, आपके हाथ दुखने लगे होंगे, चलो मैं दबा देता हूं। और विरजानंद जी बहुत सारे प्रभावित हुए और स्वामी दयानंद जब उसका अभ्यास काल पूरा होता है तो गुरु दक्षिणा में कुछ लौंग के बीज उसको देते हैं, लेकिन विरजानंद जी कहते कि मुझे ये लौंग नहीं चाहिए, मुझे एक वचन चाहिए कि आप मुझे ये बताओ कि अपना जीवन भारतवर्ष में वैदिक धर्म की प्रस्थापन करने के लिए लगाओगे। और गुरु की यही प्रेरणा से उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया और समाज में आकर अनेक मत पंथ संप्रदायों के जो पादरी होते हैं, मुल्ला होते हैं, पुजारी होते हैं, उनसे शास्त्रार्थ शुरू कर दिया और अनेक साधु संतों को शास्त्रार्थ में हराते हैं और अपना ज्ञान जो वैदिक ज्ञान था उसको तर्कबद्ध सबके सामने रजू करने लगे। कई बार शास्त्रार्थ भी हुआ। सबसे बड़ा उसके जीवन का शास्त्रार्थ था काशी शास्त्रार्थ, जिसमें आप काशी के राजा नरेश खुद शास्त्रार्थ में उपस्थित रहे और स्वामी दयानंद अकेले थे और सामने और काशी की पूरी पंडित मंडली थी वो थी, लेकिन स्वामी दयानंद के तर्क के सामने वो सारे हार मान लेते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। एक बार राजा कर्ण सिंह स्वामी दयानंद को मारने के लिए आता है, लेकिन स्वामी दयानंद अपनी ब्रह्मचर्य की ताकत से उसके हाथ से तलवार छीनकर उनके दो टुकड़े कर देते हैं और अपने ब्रह्मचर्य बल की शक्ति दिखाते हैं। बाद में इस तरह अपने जीवन में स्वामी जी अनेकों बार गायों की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए सबको प्रेरणा देते रहे। हमारे धर्म में जो पाखंड आ गया था, जो कुरिवाज मूर्ति पूजा भ्रामक मान्यता आ गई थी, उसको भी स्वामी दयानंद सबके सामने खुले में सबको बताते रहते थे, जिसके कारण स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। और आगे चल के स्वामी जी को जिसने परेशान किया था उसको पकड़कर जब सामने लाते हैं तो स्वामी जी जो उदार मन के थे वो कह देते हैं, मैं सबको बंदी बनाने के लिए नहीं आया हूँ, सबको छुड़ाने के लिए आया हूँ, इसको छोड़ दो उसको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। इस प्रकार से स्वामी जी घूमते 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 पूना नगरी में पहुंचते हैं। वहां पर स्वामी जी का बहुत बढ़ चढ़ कर स्वागत किया जाता है और स्वामी जी का बहुत बड़ा प्रवचन वहां पर हुआ, जिसका उपदेश मंदिर नाम पर पुस्तक भी आज भी प्रदर्शित है। घूमते घूमते हर जगह पर इस प्रकार से चाहे मौलवी हो चाहे पादरी हो,
सबके सामने वो स्वामी जी हमेशा सत्य बोलते थे, निर्भीक होकर सत्य बोलते थे। एक बार पंजाब के राजा जो थे विक्रम सिंह जी, उसने स्वामी जी से प्रश्न किया कि आप ऐसे खाते पीते तगड़े हो, काम क्या करते हो? तब स्वामी जी ने उसकी बग्गी को पकड़कर रोक दिया और अपने बल का प्रदर्शन भी उसको दिखा दिया कि हम ब्रह्मचारी ऐसे नहीं होती है। और उसके जीवन की यह सबसे बड़ी करुण घटना बनी कि एक मृत बच्चे को एक माँ अपने साड़ी के कपड़े से लपेटकर गंगा नदी में बहा देती है और आधा कपड़ा भी अपने बच्चे से ले लेते हैं। स्वामी जी गंगा के तट पर उस दिन बहुत रोए और भारत की दारुण करुण परिस्थिति को वो मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्या हो जाता है। ये भी घटना एक है जो स्वामी जी अपने ब्रह्मचर्य बल को दिखाते हैं। बाजार में इस प्रकार के दो सांड को अपने हाथों से दूर करते हुए सबको अचंभित कर देते हैं। स्वामी जी बहुत उदार मन के थे, उनके जो भी साथ में काम करने वाले अनुयायी थे या नौकर चाकर भी थे उन सब की अच्छी तरीके से देखभाल रखते थे। और मुंबई के अंदर सबसे पहली आर्य समाज की स्थापना की स्वामी जी ने सन 1875 में, काकरिया में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले स्वामी जी ने की। और इस प्रकार से जो मैक्स मुलर थे, थियोसोफिकल सोसाइटी के स्थापक मैडम ब्लेवेंटस्की थी, वो भारत आई थी तो स्वामी जी से मिली, लेकिन उसने स्वामी जी को अपना संप्रदाय में लेने के लिए बात कही, लेकिन स्वामी जी कहता है कि सबसे बड़ा धर्म वैदिक धर्म है, आपका धर्म छोटा है, आप और हम दोनों अलग हो जाएंगे, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना काम करो। इस प्रकार से स्वामी जी हरेक क्षेत्र में घूमते गए और सबको अपना ज्ञान का परिचय देते गए। उसका परम शिष्य थे स्वामी जी के पंडित लेखराम जी, जो स्वामी जी का बहुत बड़ा ख्याल भी रखते थे, हर ज्ञान की बातें सुनते रहते थे। ऐसे ही स्वामी जी राजस्थान के अनेक राजा महाराजाओं के महल में घूमते रहे, राजाओं को उपदेश देते रहे और सबको सत्य धर्म क्या है उसको बताते रहे। ये भी आप देख रहे हैं महाराणा सज्जन सिंह, जहां पर स्वामी जी ने राजा को भी उपदेश दिया। ये सारे महर्षि दयानंद का एक सबसे बड़ा ये बात यह थी कि वो सब राजाओं को धर्म के बारे में बात बताना चाहते थे। यदि राजा सुधर जाएगा तो प्रजा भी अपने आप सुधर जाएगी, अपना कार्य कम समय में अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार हो पाएगा। इस बार अनेक जगह पर अनेक राजाओं को मिलाकर भी इस प्रकार से स्वामी जी चर्चा विचार करते हैं। और एक बार जोधपुर के जो राजा थे उसने स्वामी जी को आमंत्रण दिया, स्वामी जी अचानक पहुंच गए तो उसके राजमहल में एक नाचने वाली नन्ही जान करके वेश्या थी, जो राजा उसको विदा करते समय अपने कंधा लगाकर उसको विदा करने जाते हैं। यह दृश्य स्वामी दयानंद देखकर बहुत चिंतित हो जाते हैं और राजा को कहते हैं कि राजा तुम शेर के पुत्र हो, कुतिया पे मरना नहीं चाहिए। ये बात ये नन्ही जान जो नाचने वाली थी वो उसको अच्छी नहीं लगी और उसने स्वामी दयानंद के जो रसोईया था जिसका नाम जगन्नाथ था उसको मिलकर 500 रुपये की देने की बात की और ये कहा कि ये जहर ऋषि दयानंद को दूध में मिलाकर पिला देना है। जगन्नाथ ने 500 रुपये की लालच में आकर स्वामी जी को दूध में जहर डालकर पिला दिया। कुछ ही समय में स्वामी जी को पता चल गया कि मुझे आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है और उसने जगन्नाथ ने बुलाया और जगन्नाथ ने अपनी भूल स्वीकार कर ली और कहा जी स्वामी जी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपको जहर दे दिया है। तो कारण पूछते ही जगन्नाथ ने बताया, तब महामहानव महर्षि दयानंद जी ने कहा दुनिया को ये बात जरूर सोचनी चाहिए, जिसने उसको जहर देकर मार दिया उसी को स्वामी दयानंद 500 रुपया देकर नेपाल भगाते हैं कि तू यहाँ से जिंदा चला जा वरना मेरे शिष्यगण आएंगे तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और स्वामी जी को तबियत सुधारने के लिए उनके सारे शिष्यगण स्वामी दयानंद दिवाली के दिन अपना सौर कर्म करवाते और सबको कहते कि अपने कमरे से निकल जाओ, ओम का जाप जपते हुए अपने प्राणायाम से दीपावली के पवित्र दिन पर अपना प्राण त्याग कर देते हैं और अपने जीवन का अंत दे देते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद के जीवन से यही प्रेरणा लेनी चाहिए, अनेक बार अपने जीवन में विष पिया और हम सबको अमृत पिला गया और वो वेदामृत आज भी हम सब आर्य समाजी लोग उनको श्रद्धा से नमन करते हैं, यही उसकी जीवन की वास्तविकता है। अभी आप जो देख रहे हैं वो जगह है जहां पर स्वामी जी का जन्म हुआ था, उस कमरे का यह दृश्य है और उसकी जीवन की सारी घटनाएं भी सामने रखी हुई है और चारों वेद की जो संहिता है उसका भी प्रदर्शन है। स्वामी जी के द्वारा लिखे गए सत्यार्थ प्रकाश की एक प्रत है और उसके परिवार जनों के द्वारा और उसके द्वारा उपयोग में लाए गए बर्तन के कुछ यहाँ पर चित्र रखे हुए हैं और यही कमरा है जहाँ पर वो मूल शंकर के रूप में अमृतबाई और करसनजीत रवाड़ी के घर पे उसका जन्म हुआ। ये टंकारा उसकी जन्म नगरी है। पूरी स्टोरी हम लोगों ने, पूरी कहानी जन्म से लेकर के मृत्यु तक की कहानी श्री दयानंद सरस्वती जी की हमने
देखी अभी और सुनी अभी, और बताने वाले जो आवाज थी वो है देवजी भाई की, उन्होंने आपको बताया। जन्मस्थल हमने देख लिया है, तो ये है टंकारा की वो दोनों जगह जो हमने आज विजिट की है, और मेरा ख्याल है आज के एपिसोड में इतना ही करेंगे और बाकी मेरे कल के लिए रख लेते हैं।